Hello friends, welcome back to our channel Pin Stock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Andhra Sugars Limited. So Andhra Sugar Limited was incorporated in 1947. So ये जो company है वो 1947 मतलब भारत की आजादी के time से ये company चालू हुई है. And this manufactures sugar, industrial alcohol, chlor-alkali products, aspirin, सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट्स और इसी के साथ ये खुद का पावर प्लांट भी ऑपरेट करती है. तो ये जो कंपनी है ये मेनली शुगर बिजनेस में है और उसके साथ शुगर के जो अदर प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि अल्कोहल, क्लोर अल्कली, एस्पिरिन, सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट्स ये भी ये कंपनी तैयार करती है और इसका खुद का कैप्टिव पावर प्लांट भी है. अगर हम इसका बिजनेस सेगमेंट देखते हैं तो एक आता है केमिकल सेगमेंट जिसमें द कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट केमिकल्स लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, लिक्विड क्लोरीन एक्सेट्रा विच गो एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स टू अ होस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल, पेपर, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड्स, वाटर ट्रीटमेंट एक्सेट्रा. तो ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है केमिकल प्रोडक्ट्स वो सब फार्मास्यूटिकल के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल, पेस्टिसाइड एंड वाटर ट्रीटमेंट्स के जो केमिकल्स होते हैं उनमें एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं. देन उसका सेकंड सेगमेंट जो है वो शुगर सेगमेंट है जिसमें द शुगर क्रशिंग ऑपरेशंस कमेंस्ड इन 1952. सो 1952 में इसने अपना शुगर का ऑपरेशन शुरू किया था. 600 TCD कैपेसिटी एंड has increased to 16,000 TCD currently. So 600 से इसने चालू किया था और जो कि अभी 1600 TCD अभी है. और इसका जो फार्मा सेगमेंट है इसमें the company has started commercial production of aspirin in 1980. So 1980 में इसने aspirin जो हमारा प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन चालू किया था. Its plants is certified by USFDA, EDQM and WHO. So, ये जो बड़ी एजेंसीज है जो मेडिकल सेक्टर में काम करती है सर्टिफिकेशन के लिए इसमें इसके जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड है, वहाँ यूज हो सकते हैं. अगर हम इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं तो कॉस्टिक सोडा 38% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल केमिकल 33%, सोप 17%, शुगर 6%, अदर्स 4% एंड पावर लेस देन 1%. सो ये एक काफी डाइवर्सिफाइड इसका रेवेन्यू स्प्लिट है. इसकी वजह से इसको अगर कोई एक सेक्टर में थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी आता है तो बैलेंस हो जाएगा. तो चलिए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं. तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल नोटिफिकेशन है वो भी ऑन कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज की अपडेट मिल सके. सो लेट्स गो टू फंडामेंटल एनालिसिस. सो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1567 करोड़ है, दैट इज इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी. इट्स करंट प्राइस इज 116. अगर हम देखते हैं तो इसका 52 वीक हाई 139 एंड लो है 100. सो इट इज ट्रेडिंग द मिड रेंज ऑफ लो एंड हाई. सो ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, ये अपने हाई और लो के बीच में ट्रेड हो रहा है अभी. इसका बुक वैल्यू जो है 114. सो ये इसके बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड हो रहा है तो प्राइस टू बुक रेशियो भी ऑलमोस्ट 1 रहेगा जो कि ये फेयरली वैल्यूड है अभी. अगर हम इसका स्टॉक पी देखते हैं तो 13 है और इंडस्ट्री एवरेज पी जो आता है वो 32.8 है. तो ये अपने बाकी जो पीयर्स है उनसे सस्ता स्टॉक यहाँ पे दिखता है. अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.01, दैट इज इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी. इस पर कोई भी कर्जा नहीं है विच इज अ वेरी गुड पॉइंट. लेकिन इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव है. सो इट इज एक कंसर्निंग पॉइंट है हमारे लिए. अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो आप पाएंगे कि लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे डाउन ट्रेंड में था, बाद में यहाँ पे अगस्त में एक काफी अच्छा जंप इसने लिया था और फिर से एक डाउन ट्रेंड में रहा. लेकिन अभी आप देखते हैं तो रिसेंटली ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अभी ये जो 50 डे मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको भी क्रॉस किया है. तो ये एक बुलिश इंडिकेशन होता है. तो इसके लिए हम इसको अभी देख सकते हैं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, उस पर कोई डेट नहीं है.
उसके बाद कंपनी का जो स्टॉक है ट्रेडिंग एट 1.02 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो कि हमने बताया कि उसके बुक वैल्यू के पास है तो फेयरली वैल्यूड है। कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19%, सो इसके जो डिविडेंड आता है वो ऑलमोस्ट 19% है, लेकिन ये 19% मतलब इसका डिविडेंड यील्ड नहीं है, ये 19% ऑफ इसके जो फेस वैल्यू है उसके 19% आता है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 103 डेज टू 77.1 डेज, सो ये एक अच्छा पॉइंट है। और कौन सा अगर देखते हैं तो कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.7 ओवर द पास्ट 3 इयर्स, ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। अगर हम इसके पीयर्स देखते हैं तो स्वैन एनर्जी, टीकेके हेल्थ केयर, एंड्रू ईएलई, रसल इंडिया, आंध्रा शुगर, एम्पायर इंडस्ट्रीज, कृष्णा डिफेंस, ये इसके अलग अलग पीयर्स हैं। अगर हम इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट देखते हैं तो जो उसका सेल्स है 390 करोड़, 356 करोड़, 400 करोड़, जैसे बढ़ बढ़ के एक बार 660 करोड़ तक गया था और अभी फिर से इसमें थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है और 500 करोड़ के आसपास वो अभी सेल है। मीन्स अगर हम देखते हैं तो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा ऊपर गया था, बीच में फिर से नीचे आया है। अगर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो 15% से लेके 8% और अभी लास्ट जो है 5% है, तो मार्जिन भी कम हुआ है इसका। अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 35 करोड़ था जो कि 80 करोड़ तक बढ़कर अभी फिर से 20 करोड़ 22 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो सेल्स जो 2012 में 1143 करोड़ था वो अभी 2023 यानी ऑलमोस्ट 10-11 सालों के बाद डबल हुआ है, दैट इज 2368 करोड़। अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो रिड्यूस हुआ है जो कि 19% था और वो अभी 9% पे है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो वो 2012 में भी 115 करोड़ था और अभी 2023 में भी 115 करोड़ ही है, तो ज़्यादा कुछ इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखता है इस हिसाब से। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है। अगर हम टिकर टाइप पे देखते हैं तो परफॉर्मेंस जैसे कि हमने देखा लो परफॉर्मेंस है, वैल्यूएशन वाइज कंपनी एवरेज है, ग्रोथ भी इसका स्लो है जैसे कि हमने देखा कि कुछ ज़्यादा इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी नहीं दिखती है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, एंट्री पॉइंट लेकिन अभी अच्छा है, गुड एंट्री पॉइंट है और मैनेजमेंट के हिसाब से कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो हमने इसको क्यों सिलेक्ट किया है तो उसके पीछे एक रीज़न है जो कि हम अभी टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट हमने खोला है, ओपन किया है आंध्रा शुगर का, और ये कंपनी ऑलमोस्ट मार्च 23 से ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट ये जो रेंज है 104 से लेके जैसे कि हमने देखा 100 इसका लो था, 120 के आसपास की दिखती है। देखेंगे तो 104 से लेके 120 के आसपास की दिखती है, ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। और अभी जो है ये स्टॉक ये रेंज के अपर एंड के पास ट्रेड होने लगा है। तो अगर ये स्टॉक ये रेंज का अपर एंड जो है 120 समझ लो, इसके अगर ऊपर ट्रेड होने लगेगा तो इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल हम देख सकते हैं। तो इसी के लिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। और उसके पीछे और एक रीजन है कि अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, ये जो लो था यहाँ से लेके हाई तक, तो आप देखेंगे कि ये 50% का जो लेवल था यहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है और अभी ये 38.2 का जो लेवल है इसके पास इसका ब्रेकआउट लेवल भी आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा तो स्टॉक कैन गो अप टू दिस लेवल विच इज 140 और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 162 के आसपास इसे आएगा। तो इसके लिए हमने इसे एक्चुअल में आज कंसिडर किया है। तो हमें अगर इसमें स्टॉप लॉस देखना है तो हम मंथली जो ये चार्ट है इससे स्टॉप लॉस देखेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट एक्ट हो रहा है। तो ये जो लेवल है 104.55 यानी हम अगर राउंड फिगर भी देखते हैं तो 100 का हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और जो टारगेट है वो जैसे कि हमने देखा 140 जो आ रहा था, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगा 140 और सेकंड टारगेट जो आएगा वो ये आएगा 160 का निकल के आता है। तो ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे इस कंपनी को
कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम इसमें अब रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं इस हिसाब से, तो हमारा जो रिस्क निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 12% का रिस्क है, उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टारगेट जो है वो 18% है और सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा वो 36% आएगा। और उसमें जब हम सेकंड टारगेट के लिए अगर ब्रेक वेट करते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड आता है 1:3, विच इज अ वेरी गुड रिस्क टू रिवार्ड। और जैसे कि हमने हमारे हर वीडियो में हम बताते हैं, अगर स्टॉक हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी ट्रेल करते जाना है और उसे ऊपर ऊपर लेके आना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और हमारा जो टारगेट है अगर आता है तो हमें उस हिसाब से फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।